हेलो बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, ये है आपका दर्पण, सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण, सूत्र तथा आवर्धन सभी को पता है, ये आपको पहले आप पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण जो है हमारे दो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र का, वो होता है आपका 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ठीक है, अब इसमें देखिए F क्या है। एफ आपका है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, और यू है बीम तक की दूरी। ठीक है, बिम मतलब क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वस्तु। क्लियर। वी है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये सब जो हम पॉइंट्स लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस हम लेते हैं, वो हम ध्रुव से लेते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि सपोज करिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। तो ये टेढ़ी लाइन हो गई है, आप सीधी बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स होता है ना, ये वाला, ये आपका यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन है उसे हम मुख्य मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, इसके जो बीचों बीच ये जा रहा है, ये होता है P, यानी ध्रुव। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पर भी जो वस्तु होगी, इधर होगी या कहीं पर भी रहेगी, तो ये जो ध्रुव से जो हम वस्तु है, वस्तु मीन्स बिम। ठीक है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो आपका जो होगा ये यू होगा। ठीक है, और ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये जो है वस्तु जो है, यहां से अगर प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ती है, तो वो कटने के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, या आपको मैंने बताया था वक्रता, वक्रता त्रिज्या जो है आपका, जो दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आती है टकराकर उसी रास्ते चल जाती है, और ये जहां पे ये कट हो कट मिलता है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वहां पे ये प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं तो वहां पे इसकी क्या होती है, इसकी इमेज बनती है। तो यहां से जहां पे ये इमेज बनती है, इस जगह से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, तो इसको हम वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम वी लेते हैं, और ध्रुव से बिंब तक की, बिंब मीन्स वस्तु तक की दूरी को हम यू लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे आपका ये फोकस होता है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला ये आप ध्यान रखेंगे, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। क्लियर। अब इसमें एक चीज और देखिए कि M जो है, इसमें M क्या होता है, आवर्धन। इसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू H डैश अपॉन H। अब यहाँ पे आपका H क्या है, H देखिए, अब ये हमने ये डिस्टेंस लिया था, ये हमने दूरी ली थी कि बिंब और ये ध्रुव, यानी ध्रुव से बिंब तक की दूरी हमने ली थी, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो ये वस्तु की जो लंबाई होती है, वस्तु की ऊंचाई हम बोल देते हैं, या आपकी बुक में बिंब दिया हुआ है, बिंब की ऊंचाई, तो उसको हम H से लेते हैं। ठीक है, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद आपका है H डैश। H डैश क्या है,
अब ये तो हमारी डैम की ऊंचाई हो गई। अब हमारा जो ये इमेज बना है, जो हमारे प्रतिबिंब बना है, ये ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी तो हो गई वी, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा बना है वो चीज होता है एच डैश। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला तो 1/f = 1/v + 1/u है, और एक फॉर्मूला आपका है m = h'/h। अब एक चीज और देखिए, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कुछ डिफरेंट भी पूछ लेता है कि m = h'/h है, ये जो है ये इसके इक्वल भी होता है -v/u के। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, तो कहीं कहीं पे m = -v/u का भी यूज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कहीं कहीं पे m = h'/h भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर जहां पे ऊंचाई और दूरी दी होगी m नहीं दिया होगा तो हम केवल इन्हीं का ही यूज करेंगे, केवल इतना भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो m अगर पॉजिटिव आया तो यानी प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण जो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, और अगर m माइनस में आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। ठीक है, m = अगर m प्लस का आएगा तो वो आभासी होगा, m अगर माइनस का होगा तो वो वास्तविक होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक चीज और, जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण लिख के जरूर आएगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण के लिए मैं बता रही हूँ, एक मैंने यहाँ लाइन खींच लिया है और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो F होगा आपका वो माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो F होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि फोकस जो है वो लेफ्ट साइड होता है, और उत्तल दर्पण में जो F होगा वो पॉजिटिव होगा। U क्या है आपका, बिंब तक की दूरी, कि वस्तु जो है हमने कहाँ पे रखा है, तो ये माइनस में, और उत्तल दर्पण में भी U क्या होगा, माइनस में, क्योंकि जो वस्तु है जो बिंब है वो लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है, इसमें जो V होगा, V मतलब जहां पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उस वहां तक का जो डिस्टेंस है, तो ये आपका माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है लेफ्ट साइड में ही रहता है, बट एक कंडीशन में वो राइट साइड में रहता है, और अब उत्तल दर्पण में V आपका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में उसकी इमेज बनेगी। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक। ठीक है, और इसमें कैसा होता है, आभासी। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड बनता है इसमें इमेज, और इसमें लेफ्ट साइड बनता है, केवल एक कंडीशन में आपका रहेगा जो राइट साइड बनेगा। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि प्लस का मतलब मैंने आपको बताया था, एम अगर पॉजिटिव होगा तो आभासी होगा, एम अगर माइनस में होगा तो वास्तविक, और ये चीज आप ध्यान देंगे प्लस मतलब कि जो उसकी जो इमेज बन रही है, जब प्लस होगा तो इसका मतलब एम जो है वो प्लस में होगा, तो यानी कि इमेज ऊपर की साइड बन रही है, मतलब सीधी। ठीक है, और अगर माइनस में होगा तो वो नीचे यानी उल्टा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर ये सब आपको क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे।